हाय गाइस, आज मैं आप लोगों से हमारे देश के कुछ ऐसे आर्टिजन्स के बारे में बात करने आया हूँ, कुछ ऐसे कारीगरों के बारे में बात करने आया हूँ जो कि अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, अपने ज़िंदगी को काटने की कोशिश करते हैं। और ये जो चीज़ें बनाते हैं इनको पूरी दुनिया में भेजा जाता है और इससे हमारे देश का काफ़ी नाम भी होता है। लेकिन ये जो कारीगर हैं इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये हिंदुस्तान के काफ़ी गरीब इलाकों को बिलोंग करते हैं जहाँ पर कि बहुत मुश्किल है ज़िंदगी जीना। अगर आपने मेरी प्रीवियस पोस्ट देखी है तो उनमें से एक कारीगर ने 17,000 रुपये का लोन लिया था जो कि 3 साल में 1.5 लाख से ऊपर जा चुका था। द इंटरेस्ट रेट इज ऑलमोस्ट 290%, 290% इंटरेस्ट रेट उस पर उस पर लगाया गया। इन कारीगरों के पास कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं होती, जैसे कि मैंने बताया कि ये काफ़ी गरीब किस्म के लाइफ को लीड करते हैं, तो दे आर फोर्स्ड टू टेक मनी फ्रॉम प्राइवेट मनी लेंडर्स। और प्राइवेट मनी लेंडर्स जो हैं वो काफ़ी एक्सप्लॉइट करते हैं। मेरी प्रीवियस पोस्ट में अगर आपने देखा होगा कि कुछ कारीगर्स जो ऐसे हैं जिनको अपनी बेटियां तक एज कोलैटरल देनी पड़ी थी फॉर दीज लोन्स। आई बिलीव कि ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन नहीं है। ये बहुत ही किसी भी हमारे देश के किसी भी कारीगर को जो अपनी मेहनत से इतना काम कर रहे हैं उनको ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहिए जहाँ पर भी कि उनको अपनी डॉटर्स को देना पड़े लोन्स को पूरा करने के लिए। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम जिस सिचुएशन में हैं, कोविड ने बहुत लोगों को इफ़ेक्ट किया है और ये लोग जो हैं, ये जो पर्टिकुलर कारीगर हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये डेली वेज वर्कर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये माइग्रेंट लेबरर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो जहाँ तक कि मुझे पता है उनकी इतनी सपोर्ट नहीं हो पा रही है। तो ये मेरी एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जो द हाउस ऑफ आर्टिजन्स वाले हैं, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है जहाँ पर कि एक फंड रेजर किया जा रहा है जिसके तहत हम कुछ भी हो सकें इन ऐसे कारीगरों तक पहुँचाएँ जिनको इस वक्त कोविड के समय में बहुत ज़रूरत है इस अमाउंट की, इन पैसों की। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ ऐसा कर दें जो आपसे ना हो पाए, लेकिन एक लिपस्टिक या एक नेल पॉलिश कम ले लेना या फिर एक रिचार्ज कम करवा लेना, एक बियर कम पी लेना, और वो 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये जो कुछ भी हैं प्लीज़ आप इस फंड रेजर में ज़रूर डालिएगा, डोनेट कीजिएगा, बिकॉज इस वक्त इन कारीगरों की हमारी बहुत ज़रूरत है। एंड ये ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए जहाँ पर उनको ऐसे प्राइवेट मनी लेंडर्स से इस तरह के लोन्स लेने पड़े, जहाँ पर उनको ऐसी सिचुएशन में आना पड़े जहाँ पर उनको अपनी बेटियाँ देनी पड़े। सो इट्स माय अपील, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ हेल्प अस आउट हियर एंड इट विल बी अ ग्रेट थिंग। सो थैंक यू सो मच।